अभी टोटल कॉस्टिंग कितना है सारे काम को लेके? 50,000 के राउंड कॉस्ट सारा कुछ, सारा कुछ वर्थ इट। यहाँ आप देख सकते हो डबल स्टिचिंग में व्हाइट कलर का आपका थ्रेड देखने को मिल जाएगा। फ्लोरिंग हो चुकी है जो काफी अच्छे पार्ट के साथ आपको देखने को मिल जाता है। वेलकम लाइट देख सकते हो डबल टोन के अंदर है, ब्लू एंड व्हाइट कलर के अंदर। स्टीयरिंग के ऊपर भी लेदर है आपको हो चुका है, वो भी सेम व्हाइट कलर के थ्रेड के साथ है और डबल टोन के अंदर है। इससे नीचे वाला पार्ट पूरा आपका चेरी कलर है, इसके ऊपर वाला पार्ट पूरा आपको ब्लैक। 250 वॉट LED लगी है, तो जैसे इसमें अगर मैं हेडलाइट जलाऊंगा तो इसका जो आउटपुट है, इसका जो थ्रो रिस्पांस है वो आपको बहुत अच्छा देखे। पूरी सिमेट्री है, जो कुशनिंग है वो बहुत प्रीमियम आपको देखने को मिल जाती है। इसके ऊपर भी डबल टोन डबल स्टिचिंग यहाँ पे हो चुकी, टॉप मॉडल वाला पूरा सिस्टम है। इसका सिर्फ एक रीजन है, हमने जो इसका पैनो ब्लैक, जो मैट ब्लैक आता है उसको पैनो ब्लैक में पूरा चेंज कर दिया। तो आप इसका सिर्फ साउंड ही सुनना कितना अच्छा हो चुका है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ मस्त अपने घर में कुशल मंगल होंगे। अगेन आज फिर से मैं कृष्ण तिवारी एक नई वीडियो में आपका मोस्ट 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 वेलकम करता हूँ। और आज आपके सामने फिर से लेके आया हूँ नई फ्रॉन्ग, जिसके अंदर कंप्लीटली डेल्टा मॉडल के अंदर काफी शानदार अच्छे से अच्छे लेवल तक मॉडिफाई हुई है। और गाड़ी आप देखेंगे अभी टेम्प्रेरी नंबर पर गाड़ी है, HR24 यानी कि हरियाणा से गाड़ी आई है अपने पास दिल्ली के अंदर। और जितनी चीज़ें इसमें हो सकती है वो सब चीज़ें इसके अंदर मॉडिफाई हुई है। स्पेशली आप अगर देख पाएंगे इसका इंटीरियर तो वो बहुत शानदार अच्छे से अच्छे लेवल का सारा काम हुआ है। प्लस सीट कवर के अंदर पूरा इंटीरियर के अंदर काफी शानदार काम है। पीछे की कनेक्टिंग टेल लाइट आपको बहुत प्रीमियम बहुत शानदार देखने को मिलने वाली है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए पूरी वीडियो देखिए, जिससे आपको जितनी भी कॉस्टिंग है वो प्राइस के साथ एक पैकेज भी देने वाला हूँ, जिससे आप अपनी पूरी गाड़ी के अंदर एक बेस्ट बेस्ट अच्छे से अच्छा सारा काम करा सकते हो। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ और देखते हैं क्या क्या काम इसमें हुआ है, प्लस आप क्या क्या करा सकते हो वो भी आपको बता देंगे। सबसे पहले आप देख पाओगे इसके अंदर जो हेडलाइट है उसमें कंपनी बेस मॉडल से प्रोजेक्टर ऑफर करती है, प्रोजेक्टर देती है, जिससे क्या है इसका आउटपुट जो है वो थ्रो रिस्पॉन्स वो बहुत अच्छा बढ़ जाता है, बहुत शानदार आउटपुट आपको मिल जाता है। जैसे अभी इसमें 250 वॉट LED लगी है, तो जैसे इसमें अगर मैं हेडलाइट जलाऊंगा तो इसका जो आउटपुट है, इसका जो थ्रो रिस्पॉन्स है वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। सिर्फ एक हेडलाइट LED की वजह से आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स है वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। और आगे की तरफ अगर आप देख पाएंगे तो येलो वाला जो पार्ट आपको मिलता है, जिसके चक्कर में जब आप फॉग वगैरह में चलते हैं या पहाड़ों पे चलते हैं तो आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, कम नहीं रहता। इसके साथ ऊपर की तरफ जो येलो लाइट था वो फिलिप्स के बल्ब में चेंज हो गया है 150 वॉट LED के अंदर। इसके साथ अगर आप आगे की तरफ देखोगे तो पूरी आपकी ग्रिल है वो यहाँ पे चेंज होने का ऑप्शन होता है, वो आप लगवा सकते हैं। इसके साथ अगर आप साइड प्रोफाइल में आएंगे तो सबसे पहले अलॉय व्हील का ऑप्शन है, वो आप करा सकते हैं। इससे पहले मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूँ। LED है आपका 250 वॉट LED है 6500 की, बाकी LED आपको 1800 रुपये से लेकर 9500 रुपये तक की क्वालिटी होती है। डिपेंड करता है आपको जैसे ब्रांड में या जैसी कंपनी में चाहिए वैसा आपके पास ऑप्शन होता है। आपका पार्किंग बल्ब है 100 रुपये की कॉस्ट में आ जाता है। फ्रंट ग्रिल है 2500 रुपये से आपके स्टार्ट हो जाता है। अलॉय व्हील का ऑप्शन है 16000 रुपये से आपका स्टार्ट हो जाता है। साइड मिरर बेस मॉडल में नहीं आता, डेल्टा मॉडल में ऑलरेडी आता है, आप करा सकते हैं। अगर आपका बेस टू टॉप काम है तो आपको 5000 रुपये की रेंज मिल जाएगा, और अगर आपका बेसिक काम है सारा अंडर 1 लाख काम है तो आपको 8500 की रेंज मिलता है टॉप मॉडल वाला ही साइड मिरर। इसके साथ यहाँ पे आपका डोर वाइजर लग चुका है जैज इट इज़ नेक्सा जेन में, और इसमें आपको बेस मॉडल अगर आप लेके आते हो तो आपको 90% तक जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाता है। बाकी ऊपर वाला मॉडल होता है थोड़ा बहुत प्राइसिंग आपको जो है वो फर्क पड़ता है, बाकी आपको अच्छे डिस्काउंट के साथ मिल जाता है। यहाँ पे हैंडल क्रोम का ऑप्शन होता है, विंडो गार्निश का ऑप्शन होता है, साइड बीडिंग का ऑप्शन होता है वो करा सकते हो। इसके साथ साथ आप देख पाएंगे डैम्पिंग का ऑप्शन होता है वो आप करा सकते हो। अभी इसमें डैम्पिंग नहीं हुई है जिसकी वजह से आप देखोगे बिल्कुल ऐसे ठक ठक साउंड जो है वो आपको मिल जाता है देखने को। बाकी डैम्पिंग कराने से ना साउंड आउटपुट आपका बहुत अच्छा हो जाता है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपके सामने रहती है। एक बार मैं आपको पीछे की कनेक्टिंग टेल लाइट भी चेक कराता हूँ, फिर अंदर का पूरा इंटीरियर आपको चेक कराऊंगा कैसा है। इसके साथ साथ पीछे की पूरी कनेक्टिंग टेल लाइट है जिसके अंदर लग चुकी है, जो एज इट इज़ जैसे टॉप मॉडल में आपको मिलती है सेम वैसे ही टेल लाइट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ कनेक्टिंग टेल लाइट का पार्ट क्या है, कंपनी की जेन्युइन होती है, कपलर टू कपलर फिटमेंट होती है। बहुत सारे लोग क्या है जो पुरानी लाइट होती है ना उसी में स्ट्रिप डाल देते हैं, अपने पास वो काम कहीं से कहीं तक नहीं होता, इसी वजह से आपको जेन्युइन कंपनी का आपको पार्ट मिलता है। और जैसे टेल लाइट का पार्ट है ना वैसे ही आपको नीचे रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलता है, यानी कि जो इंडिकेटर आपको यहाँ पे वर्किंग है वही इंडिकेटर आपका नीचे रहता है। तो ये एक अच्छा पार्ट, एक बेनिफिट वाला पार्ट आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। सेम आप अपोजिट साइड में आएंगे तो जैसे इसके अंदर का इंडिकेटर चलता है वैसे इंडिकेटर मैं नीचे भी आपको दिखा देता हूँ कम्प्लीटली। नीचे की तरफ आप देख पाएंगे जैसे यहाँ पे इंडिकेटर वर्किंग है वैसे ही आपको यहाँ पे भी इंडिकेटर पर्टिकुलर वर्किंग आपको मिल जाता है, यानी कि स्कैनिंग और मैट्रिक्स दोनों ही वर्किंग रहता है। इसके साथ साथ अंदर की तरफ अगर हम देखेंगे तो एज इट इज़ बैक कैमरा है जो 0-0 फिटमेंट के साथ पर्टिकुलर यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये जो शेप बना हुआ है इसका कंपनी का जेन्युइन है, उसी शेप के साथ आपको मिलता है, क्योंकि डेल्टा मॉडल में ऑलरेडी ये पार्सल ट्रे आपको मिलता है, आप बेस मॉडल में लगवा सकते हैं। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं एज इट इज़ काफ़ी सारा सामान जो उतरा हुआ है वो रख चुके हैं। साइड में बूट लाइट लग चुकी है जो आपको डेल्टा प्लस में भी नहीं मिलता,
ये तो फिर भी डेल्टा मॉडल है, बेस मॉडल में भी आपको ऑप्शन लग जाता है। इसके साथ साथ अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं क्या क्या सारा काम है और सारी चीज़ें आपको इंटीरियर के अंदर बिल्कुल नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल दिखाने वाला हूँ। सर अंदर की तरफ अगर चलें तो कम्प्लीटली शानदार एक इंटीरियर जो है आपको वो देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको जो एक अच्छी खासी कुशनिंग और प्लस जो बर्फी का पार्ट है जो एज अ सीट कवर इंटीरियर से मैच करता है वो पूरा आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आप देख पाएंगे एक अच्छी खासी जो कुशनिंग है वो कुशनिंग आपको मिल जाती है, प्लस वाइट कलर की गाड़ी है, सेम वैसे वाइट कलर के थ्रेड के साथ आपका यहाँ पे कम्प्लीटली इंटीरियर हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हो डबल स्टिचिंग में वाइट कलर का आपका थ्रेड देखने को मिल जाएगा। इसमें भी आपको जो कुशनिंग है जो आपका प्लफी प्लफी वाला पार्ट है वो आपको इसमें भी सेम देखने को मिल जाता है। हैंडल लीवर यहाँ चेंज है, जेन्युइन कंपनी के आते हैं, इसकी आपको लाइफ टाइम गारंटी का पार्ट आपको मिल जाता है। स्पीकर्स इसमें कंपनी देती है, बाकी आप चाहो तो JBL, मोरल, इन्फिनिटी, हरमन सारे ऑप्शन, हर्ट्स के स्पेशल स्पीकर बहुत अच्छे अपने पास अवेलेबल होते हैं जो आप करा सकते हो। अंदर की तरफ अगर आप चलते हो तो एज इट इज़ यहाँ पे फ्लोरिंग हो चुकी है जो काफ़ी अच्छे पार्ट के साथ आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ ही आप यहाँ पे एज इट इज़ वेलकम प्लेट, वेलकम लाइट देख सकते हो, डबल टोन के अंदर है, ब्लू एंड वाइट कलर के अंदर, जिसमें अंदर बाहर जाने से स्क्रैच प्रूफ आपकी गाड़ी रहती है और काफ़ी प्रीमियम लुक रहता है। अंदर की तरफ आप देख पाएंगे स्टीयरिंग के ऊपर भी लेदर रैप आपको हो चुका है, वो भी सेम वाइट कलर के थ्रेड के साथ है और डबल टोन के अंदर है। इससे नीचे वाला पार्ट पूरा आपका चेरी कलर है, इसके ऊपर वाला पार्ट पूरा आपको ब्लैक कलर है, तो एज इट इज़ आपको देखने को मिलेगा। अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं कैसा सारा काम है, फिर चलेंगे ओनर के पास। तो फाइनली अंदर आ चुके हैं और अंदर आप देखेंगे कम्प्लीटली जो इंटीरियर है, जो सीट कवर है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक के साथ आपको देखने को मिलता है और प्रीमियम क्वालिटी के साथ आपको देखने को मिलता है। स्पेशली सीट कवर में आप जाएंगे ना, जो ये जो पूरी सिमेट्री है, जो कुशनिंग है, वो बहुत प्रीमियम आपको देखने को मिल जाती है। आपका पूरा बर्फी वाला पार्ट है अपना जो एज इट इज़ देखने को मिल जाता है। डबल स्टिचिंग का ये आपका जो यूज़ है वो आपको कम्प्लीटली देखने को मिल जाता है। जो कुशनिंग होती है ना, वो कुशनिंग आपको कम्प्लीट देखने को मिलता है और सीधा आपका स्थाई आपका पीछे का बैक सपोर्ट होता है। आप लॉन्ग ट्रेवल करते हैं 200, 400, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, तो उसके लिए आपका काफ़ी कंफर्टेबल आपको सीट कवर रहने वाला है। हर कॉर्नर पर आप देख पाएंगे डबल स्टिचिंग का यूज़ आपको देखने को मिल जाता है, जिससे क्या सीट कवर का जो एक ग्रेन है, जो लुक है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब निखर के बाहर आने वाला आपको देखने को मिलता है। बाकी जो फैब्रिक है वो प्रीमियम सोफा लेमिनेशन फैब्रिक है, जिसमें आपको कभी भी ख़राब नहीं होता ये फैब्रिक, लाइफ टाइम तक की वारंटी आती है। और प्लस में जो फोमिंग होती है वो आपको टोटल 40 mm फोमिंग होती है, जिसमें सिर्फ 21 mm तो मेमरी फोम ही होता है, जिसको आप जितना मर्जी प्रेस कर लो, दबा लो, मोड़ लो, अपनी शेप में आ जाएगा वापस, यानी कि अपनी शेप में वापस उठ जाएगा वो। और 19 mm जो है आपका फैब्रिक के साथ फोम पेस्ट होता है जो सोफा लेमिनेशन का होता है, इसके चक्कर में टोटल 40 mm फोमिंग होती है। और प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ सीट कवर और इंटीरियर की, तो आपका टोटल 4000 रुपये से सीट कवर शुरू होता है और उसके ऊपर जाओगे नापा लेदर 5500 रुपये का मिल जाएगा, साका लेदर 4500 रुपये, सोफा लेमिनेशन 9500, प्रीमियम सोफा लेमिनेशन आपका 12500। तो मतलब ये जो है अपना प्रीमियम सोफा लेमिनेशन 40 mm कुशनिंग के साथ है, बाकी आपको 4-5 अलग अलग क्वालिटी मिल जाती है, जिसमें 4000 भी है, 5500 भी है, 7500 भी है, 9500 भी, 12500 भी, जो चाहो आप वो ले सकते हो। बाकी अपने पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से जो इसमें कुशनिंग और पूरा स्मूथनेस मिलती है ना, वो बहुत प्रीमियम आपको मिल रहा है। और सेम ऐसे ही आप देख पाओगे यहाँ पे आमरेस के ऊपर भी डबल टोन डबल स्टिचिंग यहाँ पे हो चुकी है, इधर ब्लैक कलर है, इधर ब्लैक कलर है, ऊपर पूरा चेरी कलर है, डबल टोन में ही आपका एज इट इज़ इंटीरियर हो चुका है। इसमें पीछे पूरा AC ऑन हो चुका है, अंदर आपको जेन्युइन कंपनी का अमरीश है, इसके चक्कर में अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आप देख पाओगे अपना गियर नॉब चेंज है। इसके साथ और अंदर की तरफ हम चलें तो सिस्टम आप देख पाओगे ऐसा लग रहा है जैसे टॉप मॉडल वाला पूरा सिस्टम है। इसका सिर्फ एक रीज़न है, हमने जो इसका पैनो ब्लैक, जो मैट ब्लैक आता है उसको पैनो ब्लैक में पूरा चेंज कर दिया है पार्ट को। इससे क्या है थोड़ा सा और अच्छा इंक्रीज़ हो गया है इसका जो लुक है, इसका जो पैनो ब्लैक फिनिश है वो पूरा। इसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो AC वेंट चेंज है इसके, जैसे ये पूरा सिल्वर पार्ट आता है वैसे ही सिल्वर पार्ट के अंदर ऊपर की जो लाइटिंग होती है उसमें अपने वाइट लाइट LED कर दी है पूरी, पीछे की लाइटिंग वाइट हो चुकी है पूरी, तो इसमें आपको अच्छा खासा जो रोशनी है, जो थ्रो है, वो आपको मिल जाता है। साइड में आप ट्विटर चेंज कर सकते हो, ट्विटर लगवा सकते हो, अभी वो ऑप्शन होता है आपके पास। नीचे फ्लोरिंग हो गई है जिसका आउटपुट आपको काफ़ी अच्छा मिलता है और पूरा ना आपका एज इट इज़ एक जो मैट का फील है, मैट का आपका फील है, वो भी आपको फ्लोरिंग फुलफिल करता है। आपका जो वाटर प्रूफिंग है वो पूरा आपको करते रहेगा, तो ये आपको एक बेस्ट पार्ट देखने को मिल रहा है। अभी अगर पीछे की सीट की फिटमेंट देख लेते हैं कैसा है, AC ऑन हो चुका है वो आपको चेक करा देते हैं कैसा है, उसके बाद ओनर से जानेंगे सारा काम कैसा है। तो फाइनली अंदर की तरफ आ चुका है, अंदर आप देखेंगे जैसे सिमेट्री, जैसे कुशनिंग आगे थी वैसे ही सेम आपको पीछे भी देखने को मिल जाती है। एक अच्छी खासी कुशनिंग, एक अच्छी खासी सिमेट्री के साथ आपको पूरा सीट कवर रहता है। अगेन आप पीछे की तरफ भी अगर देखोगे, सीट कवर भी देखोगे, तो जो पूरी आपका सिमेट्री होती है, जो एक अच्छी जैसे कि फैब्रिक है बिल्कुल सॉफ्ट फिनिश के साथ है, वो पूरा आपको पीछे मिलता है, जैसे कंपनी से मिलता है सेम वही काम आपको मिलता है। कहीं पे कोई कटिंग फटिंग नहीं है, कहीं पे भी ना कोई एक एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं मिलता, एक्स्ट्रा धागा तक नहीं मिलता आपको, इतना शानदार फिनिशिंग के साथ सारा काम मिलने वाला है आपको। बाकी ये अपना AC का पूरा ब्लोवर आता है, जिसके अंदर से निकलता है पूरा धनुष, अपना राम जी का धनुष, अभी ऐसे ही
नवरात्रे चल रहे हैं, जिसलिए राम जी का धनुष हम इसको कहते हैं हमेशा। और इसमें आप देखोगे एसी का फ्लो के लिए, अभी ये एसी यहाँ पे अभी ऑफ है, मैं अगर ऑन करूँगा तो आप इसका सिर्फ साउंड ही सुनना कितना अच्छा हो चुका है। मतलब एक अच्छा खासा फ्लो के साथ एसी ऑन हो चुका है, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट लग चुका है। पीछे की फ्लोरिंग की फिटमेंट आप चेक कर सकते हो, एज इट इज़ पूरी फिटमेंट आपको देखने को मिल जाती है, हर जगह से बिल्कुल शानदार है। आप चलते हैं ओनर से जानते हैं कैसा सारा काम। तो फाइनली सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और जितनी भी चीज़ आपको दिखाई, डेल्टा मॉडल रहने वाली फिर भी इतना अच्छा काम सारा हुआ है। तो जानते हैं भैया जो आज के हमारे प्राउड ओनर है, कैसा काम रहा और कहाँ से आए भैया, क्या नाम है भैया आपका? तरुण चौहान भाई। कहाँ से आए आप? फरीदाबाद। फरीदाबाद से स्पेशली दिल्ली आए हैं भैया? हाँ, रील देखी थी आपकी, रील देख के आए थे, फिर ये भाई ने ली थी तो इसको पसंद आया काम आपका, रील काफी दिन से देख रहा था जी, तो फिर सीधा यहीं पे आ गया। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम विक्रांत है। आप भी सेम फरीदाबाद? मैं भी फरीदाबाद से। तो अभी काम कैसा लगा भैया? काम काफी अच्छा लगा, स्पेशली सीट कवर जो था, जो सोच के आए थे देख के आए थे। बिल्कुल, मैं देख के सारा कैसा है वो बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि सारा काम एक ही जगह हो जाए तो वो सबसे बेटर हो जाएगा जी, इस वजह से यहाँ पे। अच्छा, डेल्टा मॉडल क्यों ली भैया, कोई खास रीजन? डेल्टा मॉडल इसलिए ले लो, बेस में वैसे खाली आती है, उसमें भी पैसे लगा के वो मॉडिफिकेशन करवानी थी, बाकी कंपनी फिटेड मेरे को स्टीरियो और सिस्टम स्पीकर वगैरह मिल रहे थे तो वो चाहिए थे, वो मेरे को मिल गए। बहुत अच्छी बात, क्योंकि आज के टाइम में ना बहुत सारे लोग ये स्टूडियो और स्पीकर उतार देते हैं, तो ना कुछ अलग ही लगाते हैं, जो पसंद होता है वो लगाते हैं, इसके रीजन से बहुत सारे लोग बेस मॉडल लेके जाते हैं। और लाइन में आगे तक सीधी गाड़ी खड़ी है, सारी बेस मॉडल ही है, तो ये एक अच्छी चीज़ रहता है। बाकी भैया अभी टोटल कॉस्टिंग कितना आया सारे काम को लेकर? 50,000 के राउंड कॉस्ट। सारा कुछ सारा वर्थ इट था भैया? हाँ, अब तो वर्थ ही है पक्का। सीट कवर कितने के लगे? सीट कवर एक्चुअली हमने कॉम्बो लिया था, तो उसमें उन्होंने 18,000 का दिया हमें, उसमें से हमने डैशबोर्ड का छुड़वा दिया था, तो 20,000 का 20,000 का जो कॉम्बो है वो आपको 18 में मिल गया, डैशबोर्ड छोड़ दिया। वर्थ इट था भैया? हाँ, काम अच्छा हुआ, काम अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी दिल से धन्यवाद, पहले इतनी दूर से आप आए हो, यही बहुत बड़ी बात है। आपका भी दिल से धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी वीडियोस के लिए एक बार जरूर आगे आप देख सकते हो, काम को समझ सकते हो, प्राइसिंग आप देख सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।